मैत्री, अब तो तुम्हें सब साफ दिखाई दे रहा है ना। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, दोस्ती की क्या कीमत चुकाई है इसने। तुम्हें जान से मारने के प्लान में शामिल थी तुम्हारी बचपन की दोस्त। नंदिनी, मैं बहुत प्यार करता था तुमसे, पर अब सोचता हूं कि क्यों करता था। शर्म आती है मुझे खुद पे कि मैं तुमसे प्यार करता था। नंदिनी, तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। नंदिनी, तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, आशी, सुनो प्लीज, आशी प्लीज, मेरी बात सुन लो। देखो देखो, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है। मैंने मैत्री का बहुत बुरा चाहा, लेकिन आशी सच्ची मैं इतना नहीं गिर सकती आशी कि मैं मैत्री के मर्डर का प्लान करूँ। आशीष, मैं इस प्लान में शामिल नहीं थी। आशीष, मेरा यकीन करवा। चलो, मान लिया कि तुम इस प्लान में शामिल नहीं थी, पर 100 गलतियों में से अगर एक कम हो जाए नंदिनी, तो गलतियों की गिनती कम होती है, उनका असर नहीं। और तुम्हारी गलतियों का पूरा असर मैं अपने बेटे नंदिश पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं नंदिनी तिवारी। आशीष, क्या बक रहे हो तुम? आशीष, अभी जो तुमने कहा तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? मैंने सुना भी है और समझ भी लिया है। एक इंसान गलती किए जा रहा है, रुकता नहीं है। गलती माफ करने वाले की एक लिमिट होती है मैत्री, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो माफी नहीं मिलती। तोड़ दोगे? ये कोई खेल नहीं चल रहा आशीष। कि जरा सा गुस्सा आया तो फोन फोन के तलाक लेने के लिए। जरा सा जिसको जो सोचना है, जो समझना है समझे। मैंने अपना डिसीजन ले लिया, पर अब मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।